क्या बीजेपी सरकार ने नोटबंदी का फैसला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए लिया था? क्या जीएसटी जल्दबाजी में सिर्फ गुजरात चुनाव के मद्देनजर लागू किया गया? ये सवाल इसीलिए क्योंकि अमेरिका में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो बयान दिया है उससे तो यही लगता है कि सरकार ने केवल सियासी फायदों के लिए 125 करोड़ लोगों को लाइनों में लगाया और जीएसटी को लागू कर जनता को उलझन में डाला। अमेरिका दौरे पर गए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी और जीएसटी का फायदा बताते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद हमने यूपी चुनाव में जीत दर्ज की थी। जीएसटी सही है या गलत, यह गुजरात चुनाव के नतीजे बताएंगे। उन्होंने कहा कि जनता को नोटबंदी का फैसला सही लगा, तभी उन्होंने यूपी में हमारा साथ दिया और जीएसटी को भी लोग अब समझने लगे हैं। हमें उम्मीद है कि गुजरात चुनाव में भी जीत का रिकॉर्ड बरकरार रहेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को संरचनात्मक सुधार बताते हुए कहा कि इससे आने वाले समय में देश को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले देश की अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक फायदों के मद्देनजर किए गए हैं। जेटली ने कहा कि मेरे ख्याल से संरचनात्मक सुधार के लिए यह सही समय है। वित्त मंत्री ने नोटबंदी को भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताने वाले लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो विकास से जलते हैं, इसीलिए सही फैसले का विरोध जताते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।